जय जोहार छत्तीसगढ़ का सबसे फेवरेट बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत यूनिफाइड कमांड की बैठक से। रायपुर में यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई और नक्सल ऑपरेशन के साथ साथ नक्सली इलाकों में विकास को लेकर चर्चा हुई है। बैठक के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, नक्सलियों के खात्मे की तरफ सरकार तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा नक्सल इलाके में विकास की रणनीति बनी है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सितंबर में गृह विभाग की बैठक ली थी और उन्होंने बैठक करके प्लान बताया है, इसीलिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की गई। उनकी प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ और बस्तर का विकास है। नक्सल मोर्चे पर सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। विकास के काम वहां पर लगातार हो रहे हैं। प्रगति की समीक्षा की गई। 6 महीने में हमने मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है। जवान मुस्तैदी के साथ आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग विकास को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से जो सरकार की 31 योजनाएं हैं उस पर सरकार का फोकस है और उस क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और दूर संचार के क्षेत्र में वहां पर तेजी से काम हो और किसी भी काम के लिए वहां पर संसाधन की कमी नहीं। जो निकल कर आई है यूनिफाइड कमांड की बैठक बेहद महत्वपूर्ण। हालांकि लंबे अरसे बाद यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई है। इसके बाद सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान दिया है, नक्सलियों के खात्मे की तरफ सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। 6 महीने में मजबूती से लड़ाई लड़ी है, आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी और तेज होगी। नेल्लानार योजना का जिक्र भी उन्होंने किया, नियत नेल्लानार योजना यूनिफाइड कमांड की बैठक में। नक्सली जो इलाके हैं, नक्सल हिंसा से प्रभावित जो इलाके हैं, वहां पर डेवलपमेंट तेजी से किया जाएगा। सड़कों को पहुंचाने का काम, नेटवर्क पहुंचाने का काम, कनेक्टिविटी का काम, पुल का काम, जिन पर नक्सली हमेशा अड़ंगा डालते हैं, डेवलपमेंट में हमेशा जो नक्सली अड़ंगा डालते हैं, उसको लेकर भी इस यूनिफाइड कमांड की बैठक के दौरान चर्चा हुई है। इधर रायपुर में हार की समीक्षा को लेकर कांग्रेस की बैठक में गुटबाजी पर कवासी लखमा का गुस्सा फूटा है। वीरप्पा मोइली की मौजूदगी में यह बैठक चल रही थी। नेताओं ने जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान एक वरिष्ठ महिला नेता ने कहा कि संगठन में महिलाओं की पूछ परख नहीं थी। कवासी लखमा ने भी गुटबाजी पर नाराजगी जताई, पार्टी के लोगों को ही हार का जिम्मेदार बताया। वहीं प्रभारी सचिन पायलट ने कांग्रेस नेताओं को दो टूक कहा है, आपस में नहीं लड़ना है, बीजेपी से लड़ना है। अधिकतर नेताओं ने अपनों से विश्वासघात का आरोप भी लगाया। सीधा रायपुर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ममता के पास आपको लिए चलेंगे। ममता, बैठक में भड़ास भी निकल कर आई, अपनों ने हमें लूटा, बीजेपी में कहां दम था, सवाल ये कि निपटा कैसे जाए। ममता, बिल्कुल देखिए, और जिस तरह की स्थिति में अभी कांग्रेस है तो उसे उभरा कैसे जाए, तो ये इस पर भी जो है वो एक तरह से कहें कि चर्चा हुई। अभी तो शुरुआती तौर पे जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत हुई और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो आई थी उसके सामने जमकर जो है वो भड़ास निकाली गई। और अगर हम बात करें तो पिछले समय जो है कांग्रेस के पास 2 सीटें थी लोकसभा में, इस बार सिर्फ 1 सीटें रही। ये जरूर है कि जब मीटिंग से बाहर सचिन पायलट निकले तो उन्होंने वो इस बात को लेकर कोशिश करते रहे कि अंदर जब गुटबाजी की खबर पूछी जाती रही तो वो जो है वो मौजूदा समय में जो केंद्र की जो राजनीति है उस पर ले जाने की कोशिश करते रहे। लेकिन ये जरूर है कि मीटिंग के भीतर जो है तमाम बड़े लीडर्स जो है उन्होंने अपना गुस्सा निकाला और ये भी कहा कि किस तरीके से जो है अपने लोगों ने साथ नहीं दिया। अगर कलेक्टिव लीडरशिप के साथ में चुनाव लड़ा जाता तो जीत होती। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक जो महिला नेत्री है कांग्रेस की, उन्होंने इस बात को लेकर नाराजगी जताई कि पिछली सरकार में जो है वो भी उस तरह से महिलाओं को तवज्जो नहीं दी गई थी। संगठन की बात हो या सत्ता की बात हो, उन्होंने ये भी कहा कि महतारी वंदन योजना जो है जब बीजेपी ने इसकी घोषणा की थी तो उसको काफी हल्के से लिया गया, उसको लेकर काफी देर से सोचा गया और जब तक सरकार ने अपनी तरफ से दूसरी योजना को लेकर घोषणा की उसके काउंटर में तब तक काफी देर हो चुकी थी और इसका लाभ न केवल बीजेपी को विधानसभा में मिला बल्कि लोकसभा में मिला क्योंकि खाते में पैसे आए थे। और यही वजह है कि जो महिला वोटर्स हैं वो
भारी संख्या में जो है वो बीजेपी की तरफ गए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कवासी लखमा जो अपने एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और इस बात को लेकर भी जाने जाते हैं कि वो रोक नहीं पाते अपना गुस्सा, तो उन्होंने नाराजगी भी दिखाई भरी मीटिंग में और ये भी कहा कि सबने मिलकर चुनाव नहीं लड़ा और यही वजह है कि हार की वजह रही। तो अभी तो अगर हम बात करें तो सिर्फ दो संभाग बिलासपुर सॉरी महासमुंद और रायपुर की बैठक उस तरह से शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ बड़े लीडर्स के साथ सामने बात की गई। अब जब अंदर लगातार बैठकें होंगी अलग अलग तब ये बातें निकलकर सामने आएंगी। अभी तो दिल से दर्द निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है, ये दरिया समंदर में भी तब्दील होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता विस्तार से जानकारी दे रही थी। दिल्ली आपको लिए चलेंगे। दिल्ली में संसद में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम प्रदर्शन के दौरान चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले पर विपक्षी दल संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में भी विरोध प्रदर्शन पार्टी ने किया। इस दौरान राज्यसभा की जो सांसद है फूलो देवी नेताम, उन्हें चक्कर आ गया, वो गिरते गिरते बची। तत्काल उन्हें एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया। नीट के मुद्दे पर सदन के बेल में वो प्रदर्शन कर रही थी तभी ये घटना हुई है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवा दिया गया है। चले चले प्लीज। हाउस में एक बार की बेल में थी वो और एक बार की वो बेहोश होकर के गिर पड़ी और इसके बाद सदन की कार्यवाही। आप लोग नीट पे प्रदर्शन कर रहे थे? नीट पे लगातार डिमांड कर रहे थे कि चर्चा करवाइए और वो एक बार की बेहोश होकर के गिर पड़ी। अभी उनको हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं पिछले, लेकिन काफी समय लगा एम्बुलेंस को आने में, कम से कम 10 मिनट हो गए अब जाके एम्बुलेंस पहुंच पाई। हुआ क्या है? दुखद है ये, इतनी देर अगर पार्लियामेंट में एम्बुलेंस आने में देर लगी। भाई हुआ क्या है? बेहोश होकर के गिर गए। फूलो देवी नेताम जी हैं जो छत्तीसगढ़ से हमारी राज्यसभा की सांसद हैं। और अब खबर परेशान करने वाली। सक्ती में CHO का अपहरण कर लिया गया। CHO अनुपमा जलतारे सरायपाली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं। किडनैपर्स ने बाकायदा CHO के भाई को फोन किया, फिरौती मांगी, धमकी क्या दी, अगर पैसे नहीं मिले छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देंगे। भाई कुलेश्वर जलतारे की शिकायत के बाद पुलिस पड़ताल कर रही है। CHO अनुपमा जलतारे को कचहरी चौक से अगवा किया गया है। सीधा आपको लिए चलेंगे। सहयोगी कैलाश कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, क्या कुछ अपडेट? बहुत बहुत गंभीर यह मामला है कैलाश जी। अब तक पुलिस जांच कर रही है और लगातार यह गुत्थी सुलझाने में लगे हुए, चूंकि जो युवती है, जो किडनैप हुई युवती है CHO जलतारे, उनके भाई कुलेश्वर जलतारे के पास लगातार फोन आ रहा था और किडनैप होने के बाद वह फोन अभी बंद बताया जा रहा है और उनके भाई से मिन्नत किया जा रहा था कि मेरी दीदी का आवाज़ सुना दो, एक बार दीदी का आवाज़ सुना दो, लेकिन उन्होंने सिर्फ गाली गलौज करते हुए काट दी और अपने उनकी दीदी की जो है आवाज़ नहीं सुनाया गया और वो बहुत परेशान दिखे और वो शक्ति थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई। चूंकि शक्ति कचहरी चौक के पास फल दुकान के पास वो फल खरीद रही थी और आज ही वो सरायपाली अपने जो पदस्थ एरिया है उससे आगे शक्ति एरिया में अपने गृह निवास क्षेत्र में आई हुई थी और अचानक वाहन की किडनैप होने के बाद जो है वो बहुत परेशान दिखे और लगातार वो प्रयास किए और पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया है। फिलहाल अभी तक किसी तरह की सुराग नहीं मिले हैं और कचहरी चौक से उठा के ले जाना, उतनी भीड़ की जगह में लेके जाना, कहीं ना कहीं किडनैपर जो है षड्यंत्र पूर्वक राह देख रहे थे और ताक लगा के वो घात लगा के बैठे हुए थे। इस दौरान जो है वो उठा के ले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये घटनाक्रम जिस तरह का हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अगली खबर भिलाई से। भिलाई में गोलीकांड के आरोपी अमित जोश के अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोपी के एक घर को तोड़ दिया गया है। BSP प्रबंधन ने दूसरे घर पर भी कार्रवाई की है। भिलाई के सेक्टर 5 के सड़क 13 पर घर पर कार्रवाई की गई। बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को गिराया गया। आरोपी के घर को सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इसके घर से रिवॉल्वर भी है, दो मैगजीन और चाकू भी बरामद किया गया है। बदमाश अमित जोश के खिलाफ, नाम देख लो इसका, अमित जोश, और मामले देख लो, 49 मामले दर्ज हैं। मारपीट, चोरी, अवैध वसूली, ऐसे 25 मामले भिलाई कोतवाली में दर्ज हैं। अमित जोश ने दो दिन पहले ही टाउनशिप के ग्लोब चौक में रात 1:30 बजे फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। घटना में विश्रामपुर के एक युवक को गोली लगी थी। Yeah.
भिलाई गोलीकांड के मुख्य आरोपी अमित जोश के ठिकानों में आज लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आज सुबह पहले सेक्टर 6 में भिलाई स्टील प्लांट की टीम पहुंची थी, जहां पर उन्होंने अमित जोश के जो मकान है उसको ध्वस्त किया गया, अतिक्रमण को ध्वस्त किया। और उसके बाद में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो है भिलाई के सेक्टर 5 का, जहां पर अमित के जो जीजा और बहन रहते थे, अक्सर वो यहां पर आया जाया करता था, वहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से कार्रवाई की गई है। जेसीबी के माध्यम से पूरी चीज़ें जो है ध्वस्त की गई है, घर को सील किया गया है। यहाँ भिलाई स्टील प्लांट के प्रवर्तन विभाग का यहाँ पर दस्ता मौके पर मौजूद है, जो पूरी कार्रवाई कर रहा है। और उसके बाद में देख सकते हैं कि किस तरह से सामान जो है यहाँ पर बाहर निकाले गए। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो तलाशी ली गई, यहाँ पर देख सकते हैं बड़े सामान है तलाशी ली गई, तो एक बड़ी चौंकाने वाली चीज़ यहाँ पर सामने आई है, क्योंकि 2 मैगजीन यहाँ पर मिले हैं, एक रिवॉल्वर प्राप्त हुई है, चाकू, 2 चाकू भी मिले हैं। तो इसमें और भी कुछ हो सकता है। देखिए, जो जितने भी टेडी बियर टाइप के यहाँ पर खास तौर पर चेक किए जा रहे हैं, जितने भी फोम की चीज़ें हैं उनको तलाश की जा रही है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो पुलिस बल है वह यहाँ पर मौके पर मौजूद है और लगातार कार्रवाई कर रहा है। अमित जोश देखा जाए तो आदतन अपराधी किस्म कर रहा है, जो लगातार हर कई अपराधों में लिप्त रहा है। और उस ताज़ा मामले में ये हुआ कि भिलाई के ग्लोब चौक में घटना हुई थी, 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें अमित ने 2 युवकों पर गोली चला दी थी, जिसके बाद में वो घायल हो गए थे। इसके बाद में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अमित जोश और उसका एक अन्य साथी फिलहाल फरार है। इस पूरी घटना के बाद में पुलिस और प्रशासन एक्शन में नज़र आ रहा है और आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। इधर अभनपुर में भी अवैध कब्जे पर एक्शन हुआ है। नवापारा के गंज रोड पर राजस्व अमला कार्रवाई के दौरान पहुंचा। इस दौरान पूर्व विधायक प्रतिनिधि के साथ पुलिस की झूमा झटकी भी हो गई। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस देने के बाद कार्रवाई की गई है। सड़कों पर दुकान लगाकर बैठे लोगों को प्रशासन ने हटा दिया है। खबर बिलासपुर से। जिला अस्पताल की डॉक्टर पूजा चौरसिया की मौत के मामले में ट्विस्ट आ गया है। मृतका डॉक्टर पूजा की मां ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि यह खुदकुशी नहीं है, हत्या है। प्राइवेट फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच करवाने की बात उन्होंने कही है। आपको बता दें, 10 मार्च को डॉक्टर पूजा चौरसिया की मौत हुई थी। इस मामले में सरगिट्टी पुलिस ने मृतका के जिम ट्रेनर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस भी दर्ज किया गया है। पढ़ा लिखा करके एक MBBS डॉक्टर थी, वो उस डॉक्टर की यदि हत्या कर सकता है, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, एक सोने की अंडा देने वाली मुर्गी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ससुराल वाले ने उसे मार पीट करके, उसे दूसरे से मरवा करके, जैसे तैसे करके उसका प्राण को ले लिए। मेरे अमेरिका जाते ही मेरे दमान के परिवार वाले और सूरज पांडे को जुगाड़ करके उसके साथ मिल करके उसकी हत्या करें कि आप लोग कुछ करने वाले नहीं हो। हमको इसलिए फॉरेंसिक कराना पड़ा, कहे के लिए डॉक्टर अशोक कौशिक और डॉक्टर अनिकेत कौशिक एक बड़े परिवार के लोग हैं, एक नेता परिवार के लोग हैं, और इन लोग कुछ भी प्रकार से इसका कुछ भी अंजाम, जो आदमी मर्डर कर सकता है, अपनी औरत को मार सकता है, वो कुछ भी कर...